हमारे साथ साथ आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिरकार पार्ट टाइम में कितनी कमाई होती है। तो भाई आज निकल रहे हैं दोपहर के 2 बजे, शाम के 8 बजे तक काम करेंगे और देखेंगे कितनी कमाई होगी बाइक टैक्सी या पार्सल डिलीवरी के अंदर। तो लगे रहिए हमारे साथ। तो लो दोस्तों, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और भाई 10 मिनट के अंदर ही अंदर उबर के अंदर 128 रुपए के आसपास की एक ट्रिप हमें मिल गई है। कस्टमर को पिकअप करने के लिए जा रहे हैं, मिलते हैं ड्रॉप पॉइंट पर। हेलो जी, हम पहुंच गए सेक्टर 128 और यही पारस मॉल के सामने कस्टमर को छोड़ा है और इस ट्रिप के अंदर हमारी कमाई हुई है 118 रुपए। अब देखते हैं भाई ओला के अंदर आती है या पोटर के अंदर आती है या उबर के अंदर आती है या बोर्जो के अंदर कोई ट्रिप हमारे हाथ लगती है। लो जी, दूसरे कस्टमर को भी भाई छोड़ दिया और दूसरे कस्टमर को छोड़ा है बोटानिकल गार्डन। और भाई इसी के साथ हमारी 2 ट्रिप के अंदर अभी तक की कमाई 188 रुपए की हो चुकी है। अब देखना है यहाँ से हम किधर की तरफ चलेंगे। बोटानिकल गार्डन पे हमारे एक भाई मिले और इनका मैं जुगाड़ दिखाने के लिए ना रुक गया था। ये आप देख रहे हो 2 लोहे की ग्रिल है, ये जुगाड़ भाई ने लगा रखा है पतंग के मांझे से, जो चाइनीज मांझा है ना गला उड़ा देता है भाई, उससे बचने के लिए। और बहुत बढ़िया है, अब मांझा इसी में अटक जाएगा, गले तक पहुंचेगा नहीं, ये बहुत बढ़िया। और एक सबसे कमाल की बात आप देख रहे हो, ये भाई एक डंडा है, ये कभी युद्ध हो गया ना तो ये डंडा बड़े काम की चीज़ है। और भाई साहब ने ना इस डंडे का इस्तेमाल भी कर लिया था एक बार ऐसे ही। तो अगर आपको रखना हो भाई किसी युद्ध से लड़ने के लिए तो आप इस डंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि सेफ्टी के साथ साथ ना दंड देने का काम भी साथ में रखा हुआ है भाई ने। बाइक टैक्सी का अपना अलग ही मजा है, अगर लगातार ट्रिप आती रहेगा तो मजे आते हैं बड़े। अभी अभी एक और कस्टमर को छोड़ दिया, यानी तीसरी ट्रिप भी कंप्लीट कर दी और भाई तीसरी ट्रिप के साथ हमारी अभी तक की कमाई 254 रुपए की हो चुकी है। अब यहाँ से कहाँ चलेंगे वक्त बताएगा। अब यार जब पार्ट टाइम हम काम कर रहे हैं तो आज दिल्ली थोड़ी ना जाएंगे। देखो नरेना की बुकिंग आई है उबर के अंदर 200 कुछ रुपए की, भाई इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3 ही घंटे और बचे हुए हैं, तो क्या दिल्ली जाएं, सिर्फ नोएडा गाजियाबाद ही काम करेंगे भाई। देखो अभी नोएडा की बात कर रहे थे और भाई नोएडा 117 सेक्टर का हमें ऑर्डर आ गया है और ये ऑर्डर आया है पोटर के अंदर। चलो इसे ही पिकअप करते हैं और इसे ही डिलीवरी करते हैं। तो भाई 2.5 किलोमीटर चल के हम पोर्टर के इस पार्सल को पिकअप करने के लिए आए थे और यहाँ पर रिसीविंग वाले कस्टमर को कॉल करा कि टावर और फ्लैट बता दो क्योंकि गेट पे पूछा जा रहा था, तो भाई वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। लास्ट में जिसने बुक किया उसको कॉल किया कि सर वो कॉल नहीं उठा रहे, आप ही बता दो टावर और फ्लैट। तो भाई उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, बताने के बाद उन्होंने ट्रिप कर दी कैंसिल। अब हमारा 2.5 किलोमीटर आना बेकार गया। पोर्टर में कॉल किया तो उन्होंने कहा कस्टमर ने अन्य विकल्प चुन के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन भाई मेरे 2.5 किलोमीटर जो आया मैं और जो मैंने टाइम खराब किया इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जानते हो, गुडविल भी नहीं मिलेगा। कारण क्योंकि मैं एक्यूरेट लोकेशन पर नहीं हूँ, सोसाइटी के बाहर हूँ। अब भाई सोसाइटी से आपको पता ही है सेक्टर 132 की 133 की कितनी बड़ी बड़ी है, अब इनके अंदर एक्यूरेट लोकेशन पर तो पहुँचा नहीं हूँ मैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे गुडविल भी मिलेगा, तो टोटल लॉस हुआ। दोस्तों तो अभी अभी हमने एक ट्रिप कंप्लीट करी है जिसके अंदर 174 रुपए की कमाई हुई है और भाई कस्टमर क्या रूट से लेके आया, हालांकि जाम दिखा रहा था लेकिन कस्टमर जिस रूट से लेके आया उससे हमें जाम नहीं मिला। अब काम की बात करें तो भाई अभी तक का काम 430 रुपए का हो चुका है और लॉग इन आज तकरीबन 6.5 घंटे हो चुके हैं, 1.5 घंटा अभी भी बचा हुआ है। देखते हैं इस 1.5 घंटे के अंदर और कितनी कमाई होती है। लास्ट ट्रिप भाई 8:15 पे हमने कंप्लीट कर दिया, अपने घर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर। हमने यही सोचा था कि भाई ऐसा काम करेंगे कि घर बहुत दूर ना रह जाए। तो चलिए अब घर पहुंच के आपको टोटल डिटेल बताते हैं कितने की कमाई हुई है। तो लो दोस्तों, हम पहुंच गए भाई घर और आज पूरे दिन क्या किया और कितने की काम किया, कहां कहां की ट्रिप आई और कहां कहां की ट्रिप हमने मिस करी क्योंकि पार्ट टाइम कर रहे थे ना, टाइम से घर पहुंचना था ना, ये नहीं कि 8 बजे जब काम खत्म किया तो गुड़गांव में बैठे थे, नहीं भाई घर के पास होने चाहिए तभी एक्चुअल पार्ट टाइम काम होता है। टाइम खत्म और 5-10 मिनट के अंदर घर, तो हम भी 5-10 मिनट के अंदर घर पहुंच गए। और कितने का काम किया ये बताने से पहले एक भाई का कमेंट बड़ा मजेदार है भाई, तो हमने कहा इसके कमेंट्स को जरूर पढ़ के सुनाते हैं। तो ये भाई कोई प्लेसमेंट एजेंसी के नाम से है, इन्होंने एक कमेंट्स भेजा है, पढ़ के सुनाते हैं। गली गली में शोर है सारे ऐप कंपनी और उनके कस्टमर कुछ को छोड़कर चोर हैं,
भाई पूरा एकदम तराजू में नाप के इन्होंने हिसाब लगाया है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो चलो कुछ को छोड़ देते हैं, तब तराजू बिल्कुल बराबर आएगा। कमेंट्स अच्छा था इसलिए हमने पढ़ दिया। अब दूसरा कमेंट्स ये है भाई कि ज़्यादातर राइडर्स ने ये पूछा है कि हमारी बोर्जो की आईडी ब्लॉक हो गई है। किसी ने कहा है कि एक ही ऑर्डर कंप्लीट किया था तब बंद हो गई, कोई कैसे परेशान है, कोई कैसे परेशान है। तो भाई हमने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर लेना कि बोर्जो को कैसे ईमेल करते हैं, कौन कौन सी ईमेल आईडी है, उनका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, सब दे रखा है इस वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है, चेक कर लेना। और राज की बात इस वीडियो के अंदर बता देते हैं आपको कि अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो गई है तो भाई आप अपनी उस ईमेल आईडी से जो आपकी है ना, जब रजिस्टर्ड करी थी आपने, जब आईडी बनाई थी बोर्जो के अंदर, उससे ईमेल मत करना। 4-5 नई ईमेल आईडी बना लो और भाई चारों पांचों ईमेल आईडी से दिन में कम से कम 7-7, 8-8 बार कंपनी को ईमेल करो। और पूरे दिन ध्यान रखना, कभी भी किसी भी ईमेल जो वहां पर हिट कर जाएगा उसकी वजह से कॉल आएगा आपके पास, तो पूरे दिन में कभी भी कॉल आ सकता है, 2 या 3 बेल ही बजेगी, उसके बाद फोन कट जाएगा। तो वो 2-3 बेल पे ही आपको ध्यान रखना है, चाहे बाइक चला रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो भाई, उस फोन को उठा लेना और उठाने के बाद जो भी वो आपकी कमी बताएंगे सॉरी सॉरी बोल देना। सामने इंसान ही तो बैठा हुआ है, कोई भूत तो है नहीं जो आपकी बात को समझेगा नहीं, समझा देना, चालू हो जाएगी आईडी। भाई हम भी यही करते हैं आपके लिए, 10-10, 50-50 ईमेल करते हैं और मेल करने के बाद आपकी आईडी खुलवा देते हैं, तो जो काम हम करते हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते हो, कर लो, बहुत ईजी है भाई। आगे से आप अपनी आईडी खुद चालू करवा लेना इस तरीके से। ईमेल कैसे करना है, ईमेल आईडी क्या है, इंस्टाग्राम आईडी क्या है, वो सब वीडियो के अंदर है। अब बात करते हैं भाई आज कमाई कितने की हुई। तो आज हमने भाई उबर के अंदर काम किया, ये साइड में आप देख रहे हो। और बात बताएं, हमें ना लंबी लंबी ट्रिप आ रही थी शाम के टाइम में, लेकिन पार्ट टाइम काम कर रहे थे तो हमने मिस कर दी कुछ राइडें। एक तो भाई 275 रुपये की ओला के अंदर आई, वो भी मिस कर दी क्योंकि हमें 8 बजे के आसपास घर पहुंचना था। फिर हमने भाई एक जुगाड़ देखा, हमने पूरे दिन रैपिडो ऑन नहीं किया था, रैपिडो ऑन किया और रैपिडो के अंदर बिल्कुल घर के पास की ट्रिप आ गई, उसको लेके आ गए। अब अगर बात करें ना इस लाइन के अंदर आपको काम फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है, भाई इस्तेमाल तो आपको तीनों ऐप करने हैं, ये ध्यान रखना, किसी एक ऐप के भरोसे काम नहीं होगा। हाँ अगर आप इंसेंटिव के चक्कर में है कि नहीं भाई मुझे उस कंपनी से इंसेंटिव भी लेना है, जो कंपनियों का टारगेट है उसको भी पूरा करना है, तब सिर्फ एक ऐप के ऊपर काम करना। अब भाई एक बात और बताते हैं, आपने देखा था कि पोर्टर के अंदर हम 2.5 किलोमीटर कस्टमर के पास गए, वहां वेट किया, कॉल किया और बाद में कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद हमें ठन ठन गोपाल मिला। बाद में मैसेज भी आ गया था, ये साइड में आप मैसेज देख रहे हो, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि आपको गुडविल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारा 2.5 किलोमीटर जाना, 15-20 मिनट खराब होना, तो कुल मिला के कहे तो पोर्टर बोले तो टोटल लॉस इस राइड के अंदर, बाकी भगवान ही मालिक है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के अंदर, फिर शायद हम आपको कुछ अच्छी जानकारी दे पाएंगे। इसलिए जाते जाते आपको कहते हैं जय हिंद जय भारत।